आज का दिन पूरे राजस्थान के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार 4 साल तक पेपर लीक करती रही और आज हम सभी ने विडंबना देखी कि जादूगर महोदय ने बजट को ही लीक कर दिया। मैं यही कहना चाहूँगा, राजस्थान का यह बजट मात्र चुनावी बजट है, जिसे लोक लुभावना बनाकर आम जनता को भ्रमित किया गया है। बजट भाषण के समय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार की गलती की, वह पूरे राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे राजस्थान की विधानसभा के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। गया बजट को देख करके ये लग रहा है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। जिस आदमी को ये पता नहीं है कि मैं बजट पढ़ते समय पुराने बजट को पढ़ रहा हूँ, और विशेष करके मैं तो ये उसके जो सीएम के सलाहकार उसे ये कहूँगा, यार कम से कम आप तो उसको सलाह सही देते, कम से कम सीसी पेश करते। जिस प्रकार से पेपर लीकेज हुए हैं उसी प्रकार से बजट लीकेज हो गया है, और नौलगढ़ के लिए उनको सिर्फ एक ठन ठन पाल दिया, कुछ भी नहीं दिया है। बहुत पहले जहाँ ध्यानचंद स्टेडियम के लिए जो जगह दी थी, उस जगह को ये लोग खा गए, तो ये क्या तो बजट में करेंगे, क्या युवाओं के लिए करेंगे, क्या किसानों के लिए करेंगे। किसानों से जो किए गए वादे थे और बेरोजगार मेरे युवा साथियों से किए गए वादे, इनको कम से कम उन तक उसने बात नहीं की, उनको निभानी चाहिए थे। अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ थी उसको पूरा करना चाहिए था। इसी प्रकार से ये जो गहलोत जी, मैं उनको ये कहूँगा कि जैसी इनकी नीति है वैसी ये अपने काम कर रहे हैं। लगातार युवाओं को और किसानों को जो कुठाराघात किया है उसका इनको रिजल्ट मिलेगा।